50 लाख रुपए फिरौती के लिए युवक का अपहरण करने का मामला सामने आया है। अपहरित 25 वर्षीय नीतीश कुमार बिहार थाना क्षेत्र के मुशादपुर अस्पताल चौक निवासी स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद का पुत्र है। उनकी मां उर्मिला देवी बिजली विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मी है। उन्होंने बिहार थाना में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ FIR कराई है। पुलिस 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वह शनिवार को खंधक पर मोहल्ला निवासी दोस्त से मिलने की बात कह घर से निकला था। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। उसी के मोबाइल से रात को फ़ोन कर बदमाशों ने उसकी मां से 50 लाख रुपए फिरौती की मांग की। फिरौती नहीं देने पर युवक को जान मारने की धमकी दी है। इसके बाद युवक की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई। नीतीश किडनैप हो गया कि मम्मी के मोबाइल पे फ़ोन आया है और 50 लाख का मांग किया जा रहा है। हम आनंद फानन में उसी समय गाड़ी बुक करके पटना से अपनी पत्नी अपने बच्चे अप भतीजे के साथ आनंद फानन में बिहार शरीफ पहुँचे। बिहार शरीफ फ़ोन करने के बाद डायरेक्ट मेरी सास के बारे में पता किए तो थाना में थी। थाना वहाँ पहुँच के सारी घटना के बारे में जानकारी लिए, आवेदन दिए वहाँ। उसके बाद जब सर से बात किए तो सर वो फील्ड में उस समय तक निकल चुके थे जांच में, और उस दिन से हम लोग कंटिन्यू लगे हुए 16 तारीख से, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन दो चार आदमी को सर संदेह के घेरे में अरेस्ट भी किए हैं। किसी से विवाद हुआ था क्या? नहीं, वो लड़का तो घर से निकलता ही नहीं है। वो घर से बिना किसी के इजाजत का निकलता नहीं है।